हेलो गाइस, दिस इज़ मी एनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है फाइव साइंस दैट दे डोंट लाइक यू। वो कौन से साइंस हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि दे डोंट लाइक यू। ठीक है, अगर आपको ये पता चल जाए कि दे डोंट लाइक यू तो आप उनको चेस नहीं करेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेशनशिप में चीज़ें वेग होती हैं, इतनी ओपन नहीं होती, हमें पता ही नहीं चलता। हम दो दो महीने किसी के साथ गुजारते हैं और हमें फिर भी नहीं पता चल रहा होता कि यार वो मुझे सच में लाइक करता भी है या नहीं। हाँ, हम इसी कन्फ्यूजन में डरते भी हैं कि कहीं हम फ्रेंडशिप से आगे बढ़े लव की तरफ तो और ज़्यादा रिजेक्ट ना हो जाए और वो जो थोड़ी बहुत इज्जत है वो भी ना चली जाए। तो इस चक्कर में हम डरते हैं और कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो इसका आंसर मैं देना चाहूँगा इस वीडियो में कि पता चलेगा कि दे डोंट लाइक यू। अगर ये पाँच चीज़ें वो करते हैं या तो इट मीन्स दे डोंट लाइक यू और आपको चेस नहीं करना चाहिए। बिफोर गोइंग टूवर्ड्स दिस टॉपिक मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर वीडियो आपकी हेल्प कर सके अबाउट योर रिलेशनशिप। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सो द वीडियो इज फाइव साइंस दे डोंट लाइक यू। पहला साइन ये है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते। बहुत ही ऑब्वियस साइन है, ठीक है। ऐसा होता है मोस्टली यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स की लाइफ में। कोई लड़की होती है, बॉयज़ की लाइफ में एक लड़की होती है जो उनकी क्लास में एट होती है, जो उन्हें पसंद होती है, उससे बात करना चाहते हैं लेकिन वो बेचारी इग्नोर करती है। मे बी वो आपसे काम के हवाले से तो बात कर लेती है लेकिन इट डजेंट मीन कि वो लाइक करती है। तो इसको जानने का अच्छा तरीका ये है कि जब जब आप उससे अप्रोच करते हैं और आप बात करने की कोशिश करते हैं तो वो ज़्यादा बात नहीं करती, वो आपको स्ट्रेट अवे छोटी सी जवाब देगी और गायब हो जाएगी या खामोश हो जाएगी। या अगर आप उसका टेक्स्ट करते हैं तो वो रिप्लाई नहीं करेगी या करेगी तो बहुत लेट करेगी। इट मीन्स शी डोंट लाइक यू, इट मीन्स उसको फोर्स ना करें, इससे आप अपनी इज्जत गिराएंगे। मोस्ट ऑफ द गाइज बॉयज़ को सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है अबाउट गर्ल्स इसके, उनको लगता है जितने वो अच्छे बनेंगे उतना वो आपको लाइक करने लग जाएगी। पर ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। जितना आप ज़्यादा अच्छे बनते हैं, जितना आप उसकी उसको चेस करते हैं, उसकी गलत गलत बातें मानते हैं, उतना वो उसकी नज़र में आपके नंबर कम होते जाते हैं। जितने अट्रैक्शन के नंबर कम होते जाते हैं वो आपको लाइक नहीं करते। सो अगर वो आपसे बात नहीं करती या नहीं करना चाहती या बहुत लेट लेट रिप्लाई देती है दो दो तीन दिन बाद, तो इट मीन्स शी इज़ नॉट इनटू यू, तो आपको भी नहीं होना चाहिए। साइन नंबर टू ये है कि वो प्लान्स को कैंसिल कर देती है, ठीक है। दोनों जेंडर्स के लिए मैं चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आपका बॉयफ्रेंड भी ये चीज़ें करता है तो इट मीन्स ही डोंट लाइक यू, ठीक है। अगर वो प्लान कैंसिल करते हैं, अगर आप उनको चेस करते हैं और आप कहते हैं कि चलो कल आइसक्रीम खाने चलते हैं या चलो कल वहाँ चलते हैं और वो बोलते हैं नहीं मेरा दिल नहीं है और यू नो, और आपको पता चले कि आपके साथ वो नहीं जाना चाहता लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम रहा है, उसे मज़े कर रहा है, तो इट मीन्स ही डोंट लाइक यू, ठीक है। तो आप उसको चेस ना करें, उसको आज़ाद ही फील करवाएं। लोग जितना आज़ाद फील करते हैं इन अ रिलेशनशिप, आज़ाद मीन्स फ्रीडम, जितना लोग फ्रीडम फील करते हैं इन रिलेशनशिप वो उस रिलेशनशिप में हमेशा रहना चाहते हैं। लोग ब्रेकअप करते ही इसलिए हैं क्योंकि उनको लगता है उनका फ्रीडम छीना जा रहा है। तो अगर आपको लगता है जितना आप उनको फोर्स करेंगे, आप चाहेंगे कि फॉर एग्जांपल उसका दिल था आज पढ़ाई करने का और आपने उसे फोर्स किया कि नहीं मेरे साथ शॉपिंग पर चलो, तो वो आपको लाइक नहीं करेगा। बिकॉज चाहे उसे मज़ा आता हो शॉपिंग पर आपके साथ पहले जाने में लेकिन आज उसका दिल नहीं है। तो इन चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया करें, इससे आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होता ही नहीं छोटी चीज़ों से। आपका रिलेशनशिप कभी गाड़ी पैसा शक्ल और सूरत से स्ट्रांग नहीं होगा, ठीक है। सो अगर वो प्लान कैंसिल करते हैं और कंसिस्टेंटली ये चीज़ करते हैं तो इट मीन्स दे आर नॉट इन टू यू, आपको भी नहीं होना चाहिए। और साइन नंबर थ्री ये है कि वो आपके सामने किसी और का जिक्र करते हैं या किसी और पर्सन को लाइक करते हैं और आपको ये बताते हैं। तो अगर वो आपको ये चीज़ बताते हैं तो इट मीन्स दे आर नॉट सीइंग यू एज अ पार्टनर, ठीक है। अक्सर ये होता है, मैंने देखा है लड़के मुझे मैसेज करते हैं और वो कहते हैं कि वो जो लड़की है वो उसे किसी और को लाइक करती है, उसने मुझे बताया भी है लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो मेरी हो जाए या मुझसे पट जाए या मुझसे इम्प्रेस हो जाए। क्या फ़ायदा जब वो आपको उस एंगल से, उस अट्रैक्शन से देख ही नहीं रही, तो आप कैसे उसे उस एंगल पे लाएंगे। हाँ, उसे स्पेस दें, मे बी कुछ बन जाए तो कुछ चांसेस हैं, लेकिन अगर आपको लगता है फ्रेंड जोन में रह के उसे इस तरफ ले आएंगे तो नॉट पॉसिबल बॉयज। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ऐसी सिचुएशन में ऐसे इंसान को छोड़ दे। दुनिया इतनी बड़ी है, आप लोग पता नहीं क्यों एक इंसान से चिपके रहते हैं और इतना खुद को यू नो
डिग्रेड करते हैं कि समवन डज नॉट लाइक यू, और वो ऑब्वियस साइंस भी दे रहे हैं इस तरह के कि वो किसी और वो आपको बता रही है या बता रहे हैं सुबह शाम के दिस इज़ माई क्रश और मैं इसे लाइक करता हूँ, और फिर भी आप इसी होप में हैं कि किसी दिन उसको रियलाइज़ होगा कि वाह और मैं मेरा रियल लव तो ये थी, जैसे फिल्मों में होता है, पर ये चीज़ सिर्फ फिल्मों में होती है, इन रियल लाइफ ऐसा कभी नहीं होता कि उसे रियलाइज़ होगा कि यू आर द वन, नहीं, क्योंकि आप फ्रेंड्स होने, उसने कभी उस एंगल से सोचा ही नहीं है, तो आप चाहे 10 साल भी रहें उसके साथ वो फ्रेंड ही रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि वो एक दिन उसको एहसास होगा कि वाह उसने मेरी इतना साथ दिया 10, 4 साल, 5 साल, मैं इससे आज शादी कर लेती हूँ, नहीं ऐसा नहीं होने वाला, बहुत ही रेयर केसेस में होता है, बहुत 0.1% केसेस में ऐसा होता है जब लड़की मेच्योर बहुत ज़्यादा हो जाए, लड़का मेच्योर बहुत ज़्यादा हो जाए और फिर उसको कोई और ना मिल रहा होता इन दी एंड वो आपसे कर लेगा, लेकिन अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। सो अगर वो आपके सामने किसी और की तारीफ करते हैं, किसी और की बातें करते हैं, तो इट मीन्स कि दे डोंट लाइक यू, ठीक है, मतलब इन अ सेंस कि वो फ्रेंडशिप से ज़्यादा नहीं देख रहे। और साइन नंबर 4 ये है कि वो आपको फ्रेंड जोन कर देंगे, ऑब्वियस साइन है, जो मैंने पहले बात बोली है वो उसी का ये एक सेकेंड एक्सटेंशन है कि वो आपको फ्रेंड जोन करेंगे, वो आपको बताएंगे सुबह शाम के तुम बहुत मेरे अच्छे दोस्त हो और तुम जैसा दोस्त मुझे आज तक नहीं मिला। इट मीन्स वो जब ये वर्ड बार बार यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारी ये लाइन है, ठीक है, आप उससे आगे ना बढ़ें, क्योंकि बॉयज़ के दिमाग में एक बड़ी गंदी मैंटेलिटी है कि उनसे अगर कोई लड़की बहुत ज़्यादा बातें करने लग जाए, अपने सीक्रेट शेयर करने लग जाए या मजाक करने लग जाए, तो वो समझते हैं कि यार ये तो बस अब मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी और उसको प्रपोज कर देते हैं और सब कचरा कर देते हैं अपनी रेपुटेशन का। तो ऐसा नहीं करना, अगर वो आपको बोल रही है कि तुम एक अच्छे दोस्त हो, ये है वो हो, दोस्त 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 फ्रेंड का वर्ड यूज़ कर रही है, तो इट मीन्स तो आप दोस्त ही हो, ठीक है, आगे मत सोचो, दुनिया बहुत बड़ी है। और आखिरी साइन जो ये है, अगर वो आपको लाइक नहीं करते तो उसका आखिरी साइन ये है कि दे विल नॉट आस्क यू क्वेश्चंस, सही है, क्योंकि वो आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो आप उनमें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या पसंद है आपको, नहीं, बस वो आपको एज अ यूज़ कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है। रिलेशनशिप में लोग तब आपके साथ आते हैं जब वो आपसे हाईली अट्रैक्टेड होते हैं, दोनों जेंडर्स का बता रहा हूँ, अगर उसको लगता है कि आपसे ज़्यादा खूबसूरत वो हासिल नहीं कर सकता तो वो आपको चेस करेगा, या आपसे ज़्यादा बेटर वो नहीं हासिल कर सकता तो वो आपको चेस करेगा। इसी तरह अगर उसको लगता है कि वो आपसे ज़्यादा बेटर अल्फा मेल नहीं ढूंढ सकती तो वो आपको चेस करेगी, आपसे शादी भी करना चाहेगी और आप इंटरेस्ट लेगी, क्वेश्चंस करेगी। तो अगर वो क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं आपकी लाइफ में, इंटरेस्ट नहीं है, वो नहीं जानना चाहते कि आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या शौक हैं आपके, तो इट मीन्स दे डोंट लाइक यू। सो दीज आर द 5 वेरी ऑब्वियस साइंस, जो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, वो आपसे बात नहीं करना चाहते, यानी कि आपको इग्नोर करते हैं। साइन नंबर 2 ये है कि वो प्लान्स को कैंसिल करते हैं जो भी आप बनाते हैं। साइन नंबर 3 ये है कि वो आपके सामने किसी और की बातें करते हैं और किसी और में इंटरेस्टेड हैं, आपको बताते भी हैं ये। साइन नंबर 4 ये है कि वो आपको दोस्त 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 कहते हैं, अपना फ्रेंड समझते हैं। और साइन नंबर 5 आखिरी ये है कि वो आपसे क्वेश्चंस नहीं करते क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं है आप में। तो दीज आर द साइंस। बिफोर इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।